प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विकास की तमाम बातें कर रही है, लेकिन जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक में एक ऐसी गांव है जहां स्वच्छ भारत मिशन की बात करना पूरी तरह बेईमानी नज़र आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरनाहल ब्लॉक के ग्राम पंचायत उरथान के मजरा नगला जंगी की, जहां दलित वर्ग के ग्रामीण बर्फीली नालियों के दूषित पानी में जीवन जीने का विवश हैं। नालियों के दूषित पानी से गाँव की कई गलियाँ जलमग्न है। शिकायत किए जाने के बाद भी आज तक जल भराव की समस्या का निदान नहीं किया गया है। दूषित पानी से गांव में संक्रमण रोग फैलने की संभावना बढ़ गई है। ग्राम प्रधान द्वारा अपनाए जा रहे भेदभावपूर्ण रवैया से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगाकर आए दिन प्रशासन को अपना ध्यान खींचने में लगे हैं। ग्रामीणों के प्रशासन से शीघ्र समस्या निदान की गुहार लगाई है। पानी से गुजरती है, लेटरिन का पानी बदबू इसमें आती है, पैरों में खुजली पड़ जाती है, कोई सुनवाई नहीं करता है किसी की। अच्छा, बता रहे हैं आप लोगों को ये दलितों का मोहल्ला है, कोई जानबूझ के इसमें उपेक्षा की जा रही है? हाँ, ये जानबूझ की पता, हम लोग वैसे ना कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की। हमारे गांव सर ये समस्या है, योगी जी का स्वच्छ भारत मिशन का ये अभियान चल रहा है, ये समस्या हमारे गांव की पानी की। ऐसा अभियान है ना ही तो कोई शौचालय है, ना हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, और कई एक बार SDM वगैरह सबसे DM से शिकायत की, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना ही प्रधान सुनता है, ना ही कोई किसी के पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग पानी से गुजरते हैं दिन रात। करहल के मौजा उरथान के ग्राम नंगला जंगी का ये हाल है कि हमारे ये ग्राम SC वर्ग का मोहल्ला है, यहाँ पर न तो प्रधान सुन रहा है, न तो प्रशासन सुन रहा है, यहाँ पर न कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी भरा हुआ है, आवागमन हो रहा है, इसमें बच्चे पढ़ने वाले जाते हैं, गिरते हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है साहब हमारे। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।